ये तो हर घंटा में नई तस्वीर बन जाती है साहब। आप जैसे मैं देखो मैं कचरा दे सकूं ये करेंगे आप करोगे सीधी सी बात है। हां मांगे आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसवी ब्लॉग से बोल रही हूँ रेखा। आज मेरे घर में बहुत कुछ हुआ है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं सब कुछ बता पाऊँ, लेकिन मुझे मारने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैं अब राजवीर भैया और सूरज भैया का सारा सच जान चुकी हूँ। और ये सपना मेरे घर में इतनी सारी लड़ाई झगड़े करवा रही है, इसकी वजह से इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे घर में। मैं सबको एक एक चीज़ बात बताऊंगी। जब भी मेरे हस्बैंड छुट्टी से आते हैं, ये हमेशा मेरी सासू माँ और मेरे ससुर साहब के साथ अपनी वीडियो डालती है। इसने मेरे घर में इतना सारा उपद्रव मचा दिया। मैं इसको सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अपने दो पति मरवाने के बाद भी तुझे शांति नहीं आ रही, तू क्या शो करना चाहती है लोगों को? तू बस मुझे इतना बता दे, तेरी जगह मैं विधवा हो जाऊँ ये शो करना चाहती है लोगों को कि तुझे मैं अपना सिंदूर दे दूँ? तो मेरे घर में डाका डालने की कोशिश मत कर, तुझसे मेरे पापा और मेरे मम्मी बात करने आएंगे, तब तू उनको जवाब देना। एक मासूम सी बच्ची से तू उसके बाप को छिनाने की कोशिश कर रही है। मेरे सास ससुर मेरे बीच, हम चारों पांचों लोगों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी। मैंने आज मम्मी को सारी वीडियो दिखाई जो गोद भराई की तू वीडियो डाल रही है ना। मेरी मम्मी ने कहा कोई उसकी गोद भराई और ये सब कुछ नहीं हुआ, वो विधवा हुई थी तो उसको चूड़ी पहनाई गई थी, ठीक है। तूने उसको ऐसे कट करके, और मम्मी कभी इसको हॉस्पिटल दिखाने ही नहीं ले गई, फिर भी पता नहीं कहाँ से मम्मी की कितनी पुरानी पुरानी वीडियो अब डाली है। जब हम लोगों में कोर्ट केस चल रहा है, हम लोगों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और मतलब तू आग डाल रही है उनमें। यार कुछ तो शर्म कर सपना, यार कुछ तो शर्म कर। मैं कभी तेरे खिलाफ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब तुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है जिस हिसाब से तू वीडियो बना रही है, जिस हिसाब से तू एक्टिविटीज़ कर रही है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि तूने ही दोनों भैयाओं को मरवाया। और सही कह रहे हैं लोग, मेरे पास प्रूफ आ चुके हैं, अब मैं खुद पुलिस को दूंगी इन प्रूफों को, ठीक है। भैया की जो सांस की नली होती है जिससे हम सांस देते हैं, उसे O2 ऑक्सीजन मास्क कहा जाता है, उसका ब्रेकडाउन तुमने ही किया था, क्योंकि लास्ट में भैया के पास तुम ही गई थी। ये मुझे मेरी मम्मी ने बताया, मेरी सासू माँ ने बताया, ठीक है। और मेरी सासू माँ ने आज अपने मुंह से साफ कह दिया कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सपना इस घर में आए, है ना। तो अब वीडियो और जो भी मेरे मम्मी के साथ तुमने वीडियो बनाई है, ठीक है, उनको प्राइवेट कर लेना, नहीं तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगी और तुम्हें स्ट्राइक भी मैं ही दूँगी, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम्हें अपने घर का तमाशा दिखाना है, तो तुम अपने आप पे दिखाओ तमाशा और अपने जो भी करना है। मैं मतलब इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगी, लेकिन अपने घर का तमाशा दिखाओ, मेरे घर का तमाशा नहीं। क्योंकि आज इतने सारे लोग मेरे घर आए, कुछ मेरे पियर से आए, कुछ मेरे ससुराल से आए, और इसी टॉपिक पे बात हुआ जो तुम कहलवाना चाह रही थी ना हम लोगों को, हमारा सब बात हो गई है। तुम जैसी क्या नाम दूँ मैं तुम्हें, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं तुम्हें। एक तरफ तुम लोगों को रो रो के ये साबित कर रही हो कि तुम कितनी बेचारी हो, दूसरी तरफ तुम मेरे सुहाग को लूटना चाह रही हो, मेरी अच्छी गृहस्थी में आग लगा रही हो, हैं। मेरी शादी पे तुम तीनों ने मिलके इतने ड्रामे करे, मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करी मेरे सासू, क्योंकि फ़ोन मैंने नहीं किया था तुम्हारे पास, तुमने फ़ोन किए थे मेरे पास, है ना। और याद है सूरज भैया प्रदीप से पैसे मांगते थे कि वो भी याद दिलाऊं मैं, और तुम क्या क्या बोल रही थी मेरे पापा ये। तुमने YouTube पे एक झूठी दुनिया खड़ी की है, झूठा दुनिया कि मेरे पापा ये करते हैं, मेरा भाई ये करता है, सब कुछ। मैं लोगों को अब बताऊंगी कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती, ठीक है। फैमिली की बात मैं क्यों करूं, तुम क्या संस्कार दे रही हो, तुम्हारी बेटियों को झूठ बोलना सिखा रही हो, तुम खुद झूठ बोल रही हो। और तुम क्या कहती थी कि मेरी फैमिली के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अब तुम सुनो, मेरी फैमिली पे अगर कोई भी वीडियो तुमने बनाया या मेरे सास ससुर पे बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के मत देखो, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हारी तरह हर कोई नहीं हो, मैं यही दुआ करूँगी। क्या बोलूँ मैं,
इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरे गुस्से की कोई लिमिट नहीं है भाई। तुम यूट्यूब से कमा रही हो, 6 लाख रुपए महीने कमा रही हो या 7 लाख रुपए महीने कमा रही हो, वो उससे खुश रहो ना। तुम दूसरे की गृहस्थी पे क्यों नज़र डाल रही हो? क्या ज़रूरत है? मेरी मम्मी को आज मैंने वीडियो दिखाई सासू माँ को, तो बोलती है मैं कभी इसके साथ हॉस्पिटल गई ही नहीं, ये क्यों डाल रही है वीडियो मेरे, तो ये कितनी पुरानी पुरानी वीडियो डाल रही है। और तुम्हें अकल देखो तुम्हारी कितनी बड़ी है, जब प्रदीप छुट्टी आया तभी तुमने वो वीडियो डाली हा? तुमने एक बार भी सोचा कि प्रदीप और प्रदीप की फैमिली क्या सर्वाइव कर रही है? तुम अपना रोना तो सबसे रो देती हो, तुमने कभी हमारा रोना देखा? जब दूसरे के साथ बुरा करते हैं ना, तो खुद के साथ सबसे पहले बुरा होता है। तुमने मेरे अच्छी खासी गृहस्थी में, तुमने, तुम्हारे ससुर ने, तुम्हारी सास ने, तुम सब लोगों ने हमारी गृहस्थी में आग लगाई। मेरी सास के साथ गाड़ी में बैठने में शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, तू उसकी बहू हो जाएगी कि उसके साथ घूम लेगी फिर लेगी, तो तू सोच, तू मेरी सास के पैरों में पड़ पड़ के बुआ जी मुझे यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, तू ये सब कुछ करती है। और मैं बुआ जी से कह चुकी, अब मैं सारी सच्चाई पोलम पट्टी खोलूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि ये लड़ाई का मैदान तूने बनाया था, मैंने नहीं। मेरे ससुर को सबसे पहले तेरे लोग खींच के लाए यूट्यूब पे, मुझे एक्सपोज तूने किया, ठीक है? और मैं सारी सच्चाई जानती हूँ, राजवीर भैया का मर्डर हुआ है और तुम सबको पता है वो फैमिली मेंबर ही है, ठीक है? जो तुम लोगों ने एक FIR भी नहीं करवाई राजवीर भैया के नाम, ठीक है कोई बात नहीं, अब हो जाएगी FIR। मैं चुप बैठी थी तब तक, चुप बैठी थी, अब सबके खिलाफ एक्शन मैं लूँगी। मेरे मतलब चैन नींद सब कुछ गायब करके हो तुम्हें, चैन की नींद सो रहे हो, वाह कितने अच्छे लोग तुम। मेरी घर गृहस्थी, मेरे आँखों की, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मेरी घर गृहस्थी को तुम मेरे सामने ही उजाड़ दोगे? ये आंखें ऐसे ही नहीं बन गई हैं इतनी नम, बहुत कुछ मैंने भी खोया है, हैं? और फैमिली को मैं भी संभाल रही हूँ, तुम कोई वो नहीं हो जज, ठीक है? या तुम कोई भगवान नहीं हो कि तुम सिर्फ एक तुम ही बहू हो और कोई बहू नहीं है। बहू बनना है ना तो मेरे घर में आके देख, मेरी जगह जी के देख, तब पता चलेगा कि अकेले बच्चे को कैसे पालते हैं, अकेले नौकरी कैसे करते हैं। ये 4 ठुमके यूट्यूब पे लगा दिए, इनसे पैसे आ गए, इनसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, इतना हमेशा याद रखना। जो आज ड्रामा मेरे घर में तूने करवाया ना, मतलब मैं सच्चाई बता रही हूँ तो मेरे चैनल्स को उड़ाने की कोशिश की जा रही है, दूसरा मेरे घर में सारे जितने भी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को, कब तक तुम राजवीर भैया की सच्चाई को छुपा लोगे? पत्थर भी बोल उठते हैं, मैं तो इंसान हूँ, अब मैं क्यों ना बोलूँ? उनको तो उनको मारा, अब मुझे भी मारने की साजिश सारे फैमिली मिलके कर रहे हैं, हा? मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी है और मेरा भगवान है। रही बात, तूने कहा ना कि मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरी बेटी को दूध नहीं पिलाया, मैं वो वाली भी सच्चाई अब यूट्यूब फैमिली को बताऊंगी कि तूने क्या क्या मेरे बच्चे के साथ किया, क्या क्या मेरे साथ किया, मेरी सास को कहाँ कहाँ इनडायरेक्टली खड़ा करके मुझे परेशान किया, मुझे रुलाया, कितने आंसू तुम लोगों ने मुझे रुलाए हैं वो मैं ही जानती हूँ। और बहुत जल्दी मैं खुलासा करूँगी, आज मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। और मैं वो क्लिपिंग जोड़ रही हूँ जब वो सारे लोग मेरे गांव से मुझे बचाने के लिए आए, मेरे सास ससुर को समझा के गए, वो भी क्लिपिंग मैं जोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के सारे कैमरे हटवा दिए गए हैं। और इन सब चीज़ों में सिखाने में सपना और सपना के ससुर का विशेष योगदान है, क्योंकि उन्होंने अपना जो बर्बाद करना था वो तो सब बर्बाद कर लिया, अब रह गया छोटी बहन का बर्बाद करना, तो इसलिए उसे। और तू लोगों को क्या कह रही है, तू कम एज की है, अपनी एज देख, है ना, नहीं तो सबको बाल विवाह में और बंद करवाएंगे, पुलिस उठा के ले जाएगी बाल विवाह। तेरी शादी 2016 में हुई थी, 2016 में क्या तुम 16 साल की थी? शादी पता है हमारे जाटों में कब होती है लड़की की? जब 20 साल से ऊपर होने लगती है तब शादी होती है, तो समझ ले 2016 से फिर बच्चा पैदा हुआ 2020 में शायद, है ना, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ,
तो डिस्टेंस लगा लो, वो तो लोगों को समझने आएगा। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताऊंगी। और प्लीज़ मेरी वाईटी फैमिली, आप मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि इसने जो दुनिया आप लोगों के साथ इकट्ठी की है ना, वो गलत झूठी दुनिया है, झूठे आंसू हैं, झूठे रिश्ते हैं, हर रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रही है।